हेलो नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ए आर एस्ट्रोलॉजी और जेमिनी। आज मैं आप लोगों को शुभ चिन्ह पर से तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में देखिए, लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिए। मान लीजिए अगर आपके सूर्य पर्वत विकसित ना हो और उस पर वर्ग का निशान हो, वर्ग मतलब स्क्वायर का निशान, तो ये उसके प्रभाव को कम कर देगा, दोषों को कम कर देगा और उसको शुभता में परिवर्तन कर देगा। यदि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध पर्वत पर कोई शुभ निशान ना हो, दोष हो, या बुध रेखाओं पर दोष हो जिससे आपके व्यापार में दिक्कत हो रही है, काम काज में परेशानी हो रही है, और उस पर वर्ग का निशान हो या इधर वर्ग का निशान हो, ये बुध रेखा पर वर्ग का निशान हो, तो ये उसके दोषों को कम कर देगा और समय पे आपके व्यापार में वृद्धि ला देगा। वर्ग एक ऐसा निशान है हाथेली पर, ऐसा शुभ निशानों में से एक है कि ये जहां पर भी जाता है वो उसके दोषों को कम करके शुभता में बदल देता है। मान लीजिए अगर आपकी हृदय रेखा पर कोई क्रॉस का निशान हो या धब्बा हो या तिल हो जो कि खराब होता है और उस जगह वर्ग का निशान हो तो उसके दोषों को कम कर देगा। कहने का मतलब यह है कि अगर वर्ग के अंदर जो भी निशान हो, जो भी दोष हो, जो भी बुरा चिन्ह हो, वो उसको समाप्त करके उसको शुभता में बदल देगा। ठीक है, तो आपको मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं। अगर आपकी जीवन रेखा पर बहुत सारे दोष है, होता है ना कि राहु रेखा काट रही है, राहु रेखा काटने से उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो अगर उस जगह पर ये वर्ग का निशान हो मतलब स्क्वायर का निशान हो तो ये उसको दोष को खत्म करके कम करके उसमें शुभता ला देगा। ये ऐसा स्क्वायर, ऐसा साइन है हाथों में, सबसे शुभ साइन में से एक माना जाता है। ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं आप। ये जहां पर भी जाएगा वहां अपनी शुभता छोड़ेगा और उसके दोषों को खंडन करेगा। मान लीजिए अगर गुरु पर्वत पर कोई दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई पर्वत विकसित ना हो या किसी भी प्रकार का दोष हो और यहां पर वर्ग का निशान हो तो ये उसके दोषों को खंडन करके समाप्त करके उस पर शुभता ला देगा। समय पर आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हाथों पर स्क्वायर का निशान, वर्ग का निशान कहीं पर भी, वो आपको शुभता में आपको परिवर्तित होकर दिख जाएगा। चाहे वो कैसा भी दोष हो आपके हाथ में, किसी प्रकार का दोष हो, विवाह रेखा बराबर ना हो या भाग्य रेखा बराबर ना हो, लाइफ लाइन सही से ना हो, हृदय रेखा सही से ना हो या मस्तिष्क रेखा आदि आपकी टूटी हुई दो भागों में बढ़ जाए आपकी हृदय रेखा। जैसे मान लीजिए अगर एक हृदय रेखा ऐसी और एक हृदय रेखा ऐसी जा रही है, या एक ऐसी आधी जा रही है फिर दूसरी से नीचे जा रही है और उस जगह पर वर्ग का निशान बन जाए तो ये भी आपको शुभ फल देगा। आपकी हृदय मस्तिष्क रेखा कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर उस जगह पर वर्ग का निशान बन जाए तो ये आपको शुभ परिणाम ही देंगे। तो पामिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं जो आपके अशुभ फलों को शुभ फल में परिवर्तित करती है, आपके दोषों को खंडन करके उसको शुभ फल में परिवर्तित करती है। तो ये जो साइन होता है ये आपके जीवन में नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी लाता है। ठीक है, तो ये जहां पर भी हो, किस जगह पर भी हो, ये आपको शुभ परिणाम ही देंगे। चाहे आपके हाथ में रेस्टलेस लाइन क्यों ना हो या बहुत सारी लाइन क्यों ना हो, और जगह जगह पर अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो वो चीज को, वो दोषों को खत्म करके उसको शुभ फल में परिवर्तन कर देगा, लेकिन सही समय पर। ठीक है, आपको भी आज का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ए आर एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन। ओम नमः शिवाय।